जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट में तुहाडा स्वागत करता हूं। खालिस्तान के मुद्दे पर वार बार चर्चा होंदी है, तो वार बार चर्चा होनी क्यों चाहिए है? सवाल यह अपने आप वड्डा हैगा। सानू कई लोग सलाह देंदे कि इस मुद्दे चर्चा करनी जरूरी नहीं है, कि क्यों जरूरी नहीं है, कि जरूरी है दसना चाहिए कि इसके एजेंडे पिछे की चल रहा है। खालिस्तान का मुद्दा वाकई असल में कितना वड्डा है या नहीं है, इस किस तरीके तोड़ा जा रहा है, यह सवाल अपने आप वड्डा है। तो इसे वड्डे सवाल करके सानू पूछना पै रहा है। खालिस्तान से जहेदार साहब नू जदों वार बार मीडिया ने सवाल किया तो उसका जवाब जिस तरीके आया, उस तो बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि वह तो बयान वार बार पूछन से उन्होंने हमायत में देना पिया। पर हुण खालिस्तान से जहेदार साहब ने अपनी स्पष्टता जाहिर की है, प्रेस रिलीज उन्होंने आई है, उसते नवा उन्होंने की किया है, इस पर सवाल करा कि खालिस्तान से जथेदार ने नवा की किया। वड्डा सवाल इस डिबेट में यह पूछा जाएगा कि खालिस्तान का एजेंडा लिया के पंजाब कैसी सियासी लहर सिरजी जा रही है। इस सवाल से असी चर्चा करा, पैनल साडा मौजूद है, उन्होंने तारुफ करा रहे हैं। डॉक्टर पहला गर्ग सोशल एक्टिविस्ट ने, डॉक्टर पहला गर्ग अक्सर इन मुद्दों पर बोलते रहते, इस करके स्वागत है डॉक्टर गर्ग सर, थोड़ा बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने, प्रोफेसर मनजीत सिंह भी इन मुद्दों पर अक्सर अपनी राय रखते रहते हैं कि जोड़े पंजाब के असल मुद्दे है उन्होंने कि गल होनी चाहिए तो कि की जा रही है, इस करके प्रोफेसर मनजीत सिंह सद्या। तो दोनों मेहमानों के नाल असी जरूर साफ करना चाहेंगे, असी पोलिटिकल पार्टीज भी सदा दिता सी पर कोई पोलिटिकल पार्टी उन्होंने तैयार नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं तैयार होएगी। उन्होंने शायद इस मंच से जो सवाल पूछे जाते उन्होंने तो उन्होंने कोई झिझक है इस गल की समझ नहीं हैगी, जवाब आप दे सकते जो आएंगे। डॉक्टर गर्ग सर, पहला सवाल तुहानू करना चाहूँगा। डॉक्टर गर्ग, जहेदार साहब ने जो पहला बयान दिता सीगा जिस दिन घल्लूघर की श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस दिन तो बाद हुण जिहड़ा बयान दिता तुहानू उहदे विच नवां की नज़र आया सर? देखो जिहड़ा बयान पहला दिता सी उह वी ते इह वी मैनू ऐ लगता वी दोने तकरीबन इको जिहे ने। उसका कारण यह है भी रिगल आउट करने की कोशिश जी करी जा रही है। उन्हें आख्या जे कोई सानू खालिस्तान दे दे सानू की इतराज है, हुण उह कहिंदे नहीं नहीं साडे नाल धक्का तां होया, इह तां सच है भी सिखां नाल धक्का होया, इह कोई शक नहीं है, पर भी साडे नाल धक्का तां होया है, पर जिहड़े बंदे खालिस्तान का नारा दिंदे ने इह नवीं गल है, उह बरगलाना चाहुंदे ने ते गर्म दलिए गर्म करना चाहते हैं लोगों को, इस तरह का थोड़ा जिहा उन्होंने मोड़ा कट्टण की कोशिश करी है। बहुत ही ज़्यादा गल स्पष्ट नहीं कही, जिन्हें कि स्पष्ट कर देनी चाहिए सी, रल गड करता सारा कुछ ही, बिचे खालिस्तान, बिचे वध अधिकार, बिचे फैडरलिज्म, बिचे सिखी की एक शान मत्ता इतिहास, बिचे सिखी की एक आज़ाद हस्ती, सिखां दी आज़ाद हस्ती, सारा किसी को रल गड करता, जबकि अकाल तख्त एक सर्वोच्च संस्था है, वो संस्था धार्मिक नहीं है, वो संस्था सियासी संस्था है, अकाल तख्त बने ही सियासत वास्ते, सियासी ताकत का प्रतीक है, तो सियासी ताकत का प्रतीक स्पष्ट गल कह के जी अह चाहे असी आ करना है, तो वो मेरा ख्याल है नहीं कहा गया, क्योंकि पहले बयान के उत्ते बहुत सारा वावेला खड़ा हो गया, रौला पै गया, हालांकि वो बयान कोई मैं लगता नहीं भी अकाल तख्त के जथेदार साहब ने आपे देता होवे, भी कितने ना कितने अज देश दे विच दो तरह की एक धारा चल रही है कि देश में धर्म के नाते जात के नाते तो फिरका प्रस्ती दे विच वंडिया जाए, एक पासे बहुत गिनती जी फिरका प्रस्ती है वो तो पिछले समय चो बहुत ही तेज हुई हुई है, जिवें कहिंदे तलवारां ते तरशूर चक्के हुई हुई है, दूजे पासे दी जिहड़ी फिरका प्रस्ती है उहदी भी कोशिश हो रही है किवें ना किवें, पर जिहड़े सिख सीगे क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी मुख पार्टी सी श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि उन्हां नाल रली हुई सी, सांझी सी सरकार दे विच केंद्र दे विच, इस करके हर गल जो पंजाब दे खिलाफ हुंदी सी उन्होंने यही कहते नहीं नहीं केंद्र सरकार ने बहुत वधिया करिया, मोदी साहब ने बहुत वधिया करिया, मोदी साहब ने 84 के दंगियां नूं सजावां दवातियां, फलाना करता, ये लांघा खोलता। आपां नसलकुशी शब्द वरतीए डॉक्टर गर्ग, नसलकुशी शब्द वरतीए ज्यादा बेहतर होगा, नसलकुशी शब्द वरतीए ज्यादा बेहतर होगा 84 बार। हाँ जी, मैं कहा 84 बार आपां नसलकुशी शब्द वरतीए जां कतलेआम वरतीए ज्यादा बेहतर होगा सर। हैलो डॉक्टर गर्ग, मैं कह रहा सीगा 84 ते आपां नसलकुशी शब्द जां कतलेआम शब्द वरतीए तो ज़्यादा बेहतर होगा सर। नहीं नहीं, नसल कुशी नहीं होंगी, नसल कुशी उदो होंगी जब किसी की सिखा की नसल कितों खत्म करती, 3 करोड़ सिख अज भी दुनिया के है, नसल कुशी नहीं हुई, कतलेआम सी और स्टेट ने रल के कराया, कतलेआम इन्ना अणमनुखी सी
गैर मनुखी सी जिदे उत्ते स्टेट नूं शर्म आउणी चाहीदी सी। एक एक सर एक सर तुसी गल कही डट कर के डट कर मेरा सवाल ले लो सर मेरा सवाल ले लो सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। हां जी हां जी ओ जेड़ा कतलेआम सी ओदे विचों देखिया के कांग्रेस नूं इन्नी सीटा मिल गईयां उदों बाद 2002 च दूजी मनोरिटी दा कतलेआम करया गया गुजरात दे विच उत्थों फिर सीटा कढ़ियां गईयां। ठीक है डट कर के तुसी गल कर रहे हो कि ये सियासी तख्त है सर मैं समझना चाहना है तो कौम की आवाज़ का प्रतीक मनिया जाता तुसी इस नूं सियासी तख्त दस रहे हो। देखो जी जब जिहड़ा अकाल तख्त की साजना हुई सी श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने अकाल तख्त बनाई सी मीरी ते पीरी की तलवार पाई ना सी कि हुण तक असी पीरी तो करते सीगे गुरु अर्जन देव जी की शहीदी तो बाद हुण असी मीरी करांगे हुण असी राज करांगे वो राज करन दी है उत्थों क्या सियासी ताकत निकलनी है उत्थों हुक्मनामे जारी होने ने कि सिख की करन उत्थे मिसलां जांदियां सी मिसलां ते जाके बह के गुरमता पकाउंदे सी वी आपां किवें अपने उसनूं ठीक करना है कौम नूं किवें आपां अपने अगे वधना है। सो वो सियासी ताकत का ही प्रतीक है जिहड़ा उहनूं केवल धार्मिक ताकत के रूप के दसना चाहुंदा है। धार्मिक ताकत श्री हरिमंदर साहब है जे तुसीं मैं एक होर गल कहना जिहड़ी कई वार सिखां दे ध्यान च नहीं हुंदी जे तुसीं अकाल तख्त साहब के जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब के ताबे बंदा बैठा है उस नूं श्री हरिमंदर साहब के गुरु ग्रंथ साहब का नज़र आता है मतलब यह है भी जो सियासी ताकत च है उन्हें लाइट उत्थों रहनी है फलसफे के विचों पर जिहड़ा हरिमंदर साहब के ग्रंथी है उन्होंने अकाल तख्त नज़र नहीं आता यानी कि जिहड़ा फलसफे के उत्ते चलिया होया फलसफे का प्रचार करता है फलसफे का विकास करता है उन्होंने राज तो कुछ नहीं रहना वो राजवाल अखा ना रखे पर साढ़े तो राज वाली अखा होंगे ने फलसफे वाल तो है ही नहीं। चलो ठीक है मैं वापस आऊँगा डट करो थोड़े को मेरी पीरी जिहड़ा कृपान की तुसी गल की है मेरी पीरी बारे प्रोफेसर मनजीत सिंह डट गर्ग ने जिहड़ी गल दसी हैगी है तुहानू इहदे विच कुछ समझ आउंदा कि डट गर्ग जो कह रहे हैं तुसी उस नाल खड़े हो कि जिस तरीके नाल उन्होंने सारे मुद्दे नूं रलगड़ करता डट गर्ग ये समझते पे प्रोफेसर मनजीत सिंह जदों हलीमी राज की गल होण लग पे जदों बेगमपुरे की गल होण लग पे जहेदार साहब ने कुछ चीज़ां स्पष्ट कीतियां कि नहीं कीतियां। ते देखो उन्होंने पहले ही बयान नूं थोड़ा कलैरीफाई किया क्योंकि प्रैशर बहुत बन गया सी जना खणा ही उठ के उसनूं उस किस्म की सौड़ी ते नैरो इंटरप्रिटेशन देने शुरू कर दिती सी कि जिवें कोई खालिस्तान जिहड़े रोज़ खालिस्तान दीआं मुंबलियां फेरदे और खालिस्तान नाल लैणा देणा उन्हां दा कोई नहीं है उन्हां दे नाल उस स्टेटमेंट नूं जोड़िया जाण लगा सी उन्होंने अपने आप नूं जिहड़े लोग अपने आप नूं ठेकेदार खालिस्तान दे समझदे कुछ उन्हां नालों अलग करके और दूसरे वो लोग जिन्हां ने कतलेआम किया जां जिहड़े दिल्ली तो किसी ना किसी तरीके ना मजोरिटी हिंदू दे नां दे उत्ते सोच के राज करना चाहुंदे है उस किस्म दा मजोरिटी मनोरिटी दा मसला तो उत्थे मनोरिटी दे हक दे विच उन्होंने आवाज दी तो मजोरिटी नूं भी उस गल नूं भी याद दिलाया कि साढ़े उत्ते किवें किवें जुल्म 84 दे विच हरिमंदर साहब दे विच होए आ उस गल दा भी उन्होंने नाल जिक्र। प्रोफेसर मनजीत सिंह तुसीं प्रोफेसर मनजीत सिंह थोड़ा आपां चीज़ां स्पष्ट करके चलीए तुसीं कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र दा जिहड़ा एजेंडा चलाया जा रहा उहदा विरोध करन दी कोशिश है। बिल्कुल है बिल्कुल है मेरा उन्होंने देखो उन्होंने जो हलीमी राज दा और बेगमपुरे दा बड़े साफ शब्दां च कहा कि सिखी दे जिहड़ा एक फलसफा है जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच सानू जिहड़ा मैसेज है एक ऐसा राज जां ऐसी जगह उत्थे बेगमपुरे दा गल कही होई है मतलब तुसी पता कल्ला असी नहीं है वो जिहड़े साडे गुरु रविदास जी है उन्होंने भी कही होई है बेगमपुरे दा भी एक ऐसा राज होए जिथे और मतलब किसी नूं उस किस्म दा नी ऊंच नीच दा ना होवे मोटे तौर ते उहदा मैसेज इह है इस करके सिखी दा जिहड़ा हिस्सा है जिहड़े इस गल ते उहनां ने बड़े साफ शब्दां च मैनूं सब तों इंपोर्टेंट गल तुसीं हत्थ चुक लिया मैनूं इक गल खत्म कर दिओ सब तों इंपोर्टेंट गल उहनां ने इह गल कही है के पी सिंह के असीं चाहुंदे जरूर आ कि जो सिख विचार आ उस लई सानूं राजनीतिक स्पेस मिले जिवें आनंदपुर साहब दा मता है ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖੋ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
बिल्कुल ले है, ए है या चलो एक मैं छोटा ब्रेक लेना सर, वापस आऊंगा। प्रसम जीत सिंह एंते मैं क्लैरिटी चाहिए, एक छोटा ब्रेक लवेंगे, ब्रेक तो वापस आवेंगे, वापस आके सवाल करवा कि जहेदर साहब ने पहला हमायत में जी गल कही थी जे सरकार दे तो लै लवे। सवाल यह है कि हूँ नवा की क्या दिता उन्होंने, ब्रेक तो वापस आके सवाल जारी रहेंगे। खालिस्तान का झंडा लिया के पंजाब कि सियासी लहर सिरजी जा रही है। डाक्टर करके एक तुम गल पहले सैगमेंट कही सी कि जहेदर साहब तो यह बयान है जोड़ा उन्होंने आवदा नहीं सीगा हमायत वाला, सर यही कहना चाह रहे हो कि वह बयान दवाया गया जां यह कहना चाह रहे हो कि वह बयान लै लिता गया, की कहना चाह रहे हो डाक्टर करके? हेलो, देखो गल यह है ये बयान दवाया गया, मैं प्रोफेसर साहब की इज्जत करते हुए इन्हों डिसएग्री करता, ये कोई बेगमपुरे शहर की गल नहीं करी गई है। बेगमपुरा शहर को ना होता ना चाहे दुख दो उठाओ ना उठाओ ना चाहे तस्वीर खराज मार खौफ ना कता ना तरस जवाब। सर बयान क्या उन्होंने, मैं आ रहा प्लीज लेट मी कंप्लीट। ना उन्होंने इस गलते हुआ हलीमी राज जीओ की गल पूरी तरह करी है, ना उन्होंने सभी सांझी वाल सदायन तो किसी ना किसी बारा जीओ की गल करी है। बयान दे विच जो कहा वो भी मैं दस दिना कि यह है, जब तुम कहने सभी सांझी वाल सदायन, जब तुम कहने हलीमी राज होएगा उत्थे एक जी एस डी पी सी दे काबजेतर है वह तो सिवाय किसी को अंदर जान दिता जाता है। अकाल तख्त के जथेदार साहब कह सकते हैं भी आ जाओ कोई गल नहीं करो इतने कॉन्फ्रेंस, क्या आप गल करते हैं एक धड़े का जिरा वो कब्जा है वह धड़ा सारे सिख नहीं है, वह सिखा की बड़ी मनोरिटी रिप्रजेंट करता है, उन्होंने जिदे सूट करता है उदो इन्हों धर्म वरतद, उन्हें फैडरलिज्म की गल बिल्कुल छड़ती, उन्हें पंजाब के पानिया की गल छड़ती, उन्हें पंजाब की पंजाबी भाषा से बोलना छड़ता, उसने पंजाब के पानिया के हक च वोट पाती लोग सभा तक, बाद च पता लगे भी तो गड़बड़ हो गई पंजाब के पानिया के उल्ट पाती वोट। सो ये जोड़ी गल असी कहने भी उन्होंने सिखा प्रफुल्लित होने के सूबे की गल करी है, ये मैनू बिल्कुल नहीं लगती, ये सियासी बयान है, ये वो विचों निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जे कहना होंगे तो वध अधिकार की गल अकाली दल तो सवाए हिंदुस्तान च इन्ने तकड़े जोर न किसी ने चुकी नहीं सी, पर 1981 तो बाद गलू असी दबता क्यों, असी ताकत चपाहीवाल बन गए, असी सभी सांझी वाल सदायन का कॉन्सैप्ट छड़ता, असी पंजाब की जवानी रोलता, नशे ने जोड़े ये हलीमी राज है, न जब एक दूजे को तुनदा की पॉलिटिक्स चल रही है ये हलीमी राज है, ये जब एक दूजे को बाहर कढ़न की कोशिश कर रही करी जाती है, ईवन चोणां दे विच बहुत कुछ करया जांदा है, ये सभे सांझी वाल सदायन की गल है। नहीं डाटा कर मेरा सवाल है, भाईवाल बन गए सरकार दे, जिदे सिख धर्म दे उत्ते सब तो वड्डी चोट मारी केंद्र सरकार ने कि जी ये थोड़ा है जिहड़ा खराची भोजन है लंगर, असीं तां कहिंदा सिक्खी सिधांत जिहड़ा है संगत ते पंगत दा उहनूं तिलांजली देती, उहदे तक अकाल तख्त साहिब दे जथेदार बुढ़े नहीं। डाटा गर्ग जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो कि अकाली दल वल्लों ये बयान है पिछों दवाया गया, यही कहना चाह रहे हो? बिल्कुल यही कहना। ठीक है डाटा गर्ग, जे आनंदपुर साहब के मते का जिक्र हो जाता इस बयान दे विच फिर तुसीं ये गल ना कहिंदे कि फिर भी कहिंदे? ना जिक्र हुण मैं कहना जिक्र हुंदा जां ना हुंदा ये जिहड़ा मर्जी जिक्र करी जाण, असी ये देखना हुंदा है कर्मा तो, असी बयाना तो नहीं देखना हुंदा। जग ज्ञानी बिरला चारी जग पंडित बिरला विचारी गुरु ग्रंथ साहब दे विच हैगा, ते जे इन्हां ये ज्ञानी तो हैगे ने इन्हां नूं सब कुछ पता है, पर आचार किहो जिहा है असी इन्हां दे आचार तो देखना सी, इन्हां दा आचार है नहीं इहो जिहा, इन्हां ने उस आचार दे विच ना वध अधिकारां दी गल करी है, केंद्रीकरण सब हुंदा गया, एडी मार पई करुणा ने तैं की दर्द ना आया, एडी मार पई है एडा मजदूर मारिया गया है, गड्डियां दे विच बंदे मर गए, ये चुप रहे ने ये बोले नहीं, इन्हां दे उत्ते दोष ला दिता गया कि जिहड़े सिख उत्थे सिखां नूं हजूर साहब दे विच ताड़ के रख दिता गया कि उन्हां नूं करोना दे दा इक दूत बना दिता गया इत्थे आके, ते ये बोले नहीं। ये असं कहने भी असं सिख धर्म की गल करते हैं, असं सिखा की गल करते हैं, असं सिखा की जलाओ की गल करते हैं, बिल्कुल नहीं। नहीं चलो हजूर साहब वाले बयान से तो कुछ सफाइया आईया भी हैं। प्रसम अजीत सिंह सर सवाल यह है जिस तरीके डॉक्टर गर्ग ने बड़ा मुखर होकर गल कह दी कि अकाली दल ने बयान दवाया, तुम ये गल कह सकते हो? मेरा सवाल यह है, एक सवाल यह है सर जे अकाली दल के विरोधी है जो अकाली दल चो निकल के गए हैं मनजीत सिंह जी के हरी
उन्हां दी जागो है पार्टी, वो ये कह रही है कि जहेदार नूं अकाली दल वालों अपना बुलारा बनाने की कोशिश की जा रही है। तुसीं इन्हां दोनों बयान नाल इतफाक रखते हो? डॉक्टर गर्ग ने जिहड़ी गल कही है ते जिहड़ी गल मनजीत सिंह जी घेरा ने कही है। देखो मनजीत हुणां, चलो अजे मैं कोई बहुता उन्ना नहीं इस गल का करना चाहता, पर जिहड़ी इंपोर्टेंट गल है डॉक्टर साहब ने भी कही है, जिहड़ी गल जग जाहिर भी हैगी है कि अकाल तख्त के जथेदार काफ़ी हद तक श्रोमणी अकाली दल के फैसलों के उत्ते निर्भर रहिंदे आ, जिवें आपां कहिंदे आ कि लिफाफे चों निकलदे आ। पर मैं तो इस गल की बड़ी उन्होंने होर महत्ता दिना कि इन्ने उन्होंने डिपेंडेंट होने के बावजूद जिहड़ा ये बयान आना यह कोई छोटी गल नहीं। मेरा ख्याल किन्ने अकाल तख्त के जथेदारां ने पहला इहोजिहा बयान दिता, पिछले साल भी इहोजिहा बयान उन्होंने आया सी, मीडिया ने किसी ने गौलिया नहीं, पिछले साल भी इहोजिहा ही सवाल उन्होंने किया गया सी। और ऐतकी क्योंकि वो जरा किसी ने ध्यान ना किया होना, गौलिया गया, सारे मीडिया च फलैश हो गया कि उन्होंने जेडे खालिस्तान की गल की हमायत इन प्रिंसीपल की हैगी, पर यह की बिल्कुल उदे नाल नहीं मेल खांदा। भावें बेगमपुरा उन्होंने बार बार कई बार शब्द यूज किया, हलीमी राज का कई बार शब्द यूज किया अपने बयान दे विच कि जेड़ा आनंदपुर साहब के रेजोल्यूशन दे विच आ कि सिखां नूं इहो जी जगह चाहीदी है जिथे वो आजादी का आनंद माण सकण, यह जी गल का इस दा हलीमी राज का बिल्कुल एक पैरल हैगा आ। इस करके मैनू इंज लगता है के पी सिंह के इन्नी एक वलनरेबल जगह पर बैठ के, वलनरेबल इस करके नहीं कि जगह की कोई कमी हैगी, इस करके कि उन्होंने जी अपनी पोजिशन आ जेडे उसनू कोई वो आप सिख संगत डिटरमिन नहीं करती, सरबत खालसा नहीं करता, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी करती है। वो बावजूद सारा कुछ दुख जिहड़ियां उन्हां दियां कंस्टेंट ते लिमिटेशन हुंदे होया जे उन्होंने अज इस गल की गल की है ते मैनूं लगदा कि एक गांह वधू कदम आ, एक उस आनंदपुर साहब दे रेजोल्यूशन वल ही एक कदम आ। बाकी गल्लां देखो कमियां इहदे च कोई दो राय नहीं है जिन्नियां। प्रसमजीत सिंह सर सवाल लैणो नाल, प्रसमजीत सिंह सवाल लैणो सर, सर सवाल लैणो सर, सवाल लैणो। जिहड़ा जिहड़ा जिहड़ी गल तुसीं कर रहे हो कि उन्होंने आनंद मान सकण वाली गल की है शेरे पंजाब वर्गे राज दी, उस तो पहलां एक गल होर कह रहे हो कि जिहड़े सोशल मीडिया उपर सिख नौजवानों नूं भड़काया जा रहा उन्हां तों सुचेत रहिण दी लोड़ है, तो जमहूरी ढांचे अंदर एक राजसी लहर सिरजण दी लोड़ है। सर इहनूं राजसी इहनूं राजसी चश्मे नाल ही देखिया जावे इस बयान नूं? नहीं नहीं नहीं, कितनी सोहणी गल, मैं तां इस गल नूं बड़ा एप्रीशिएट करदा। उन्होंने कहा कि तुसीं एक्सट्रीमिज़म वल ना जाओ, विचार दे बलबूते अगे वधो, अपने साथ दे ताकत दे शांतमई तरीके दे बलबूते अगे वधो, पर कंप्रोमाइज़ करन दी लोड़ नहीं। जे तुसीं अज दे युग दे विच हथियार तलवारां ते बंदूकां लैके चलोगे उहदा कोई अर्थ नहीं हैगा। सब तो ज़्यादा घातक जे कोई अजकल हथियार है वह मीडिया जां जिहनूं कम्यूनीकेशन कहिंदे आ, और नाल नाल तुहाडा सुपरब विचार सामने जो विचार की लड़ाई होंगी है, तो आप जो अफ्रीकन अमेरिकन है उन्होंने मूवमेंट सारी दुनिया च किवें छोटी जी गल तो ट्रिगर करके फैली है, वह फैलती है। इतने भी अजकल जिवें मीडिया हैगा आ, उन्होंने इस गल पर जोर दिता कि असी चाहते बिल्कुल वह कुछ हैं जो असी आनंदपुर साहब के रेजोल्यूशन अदरवाइज साढ़े श्री गुरु ग्रंथ साहब के एक कल्पना की गई है, पर साडा रस्ता जिहड़े इत्थे कुछ खालिस्तान दे नां ते सिख दे नां ते अपनियां रोटियां सेक रहे ओह नहीं हैगा, और जिहड़े बंदे सानू क्रिटिसाइज कर रहे आ ओह खुद अपनी पीढ़ी थल्ले सोटा मार रहे, उन्हां दे किन्ना इतिहास काला है। ठीक है डॉक्टर गर्ग, एक चीज थोड़ी स्पष्ट कर दो डॉक्टर गर्ग, तुसीं जहेदार साहब कितने ये कहने तो नहीं लगे हुए कि जो उन्होंने बयान दिता है आपके बयान से वह उस तरीके स्टैंड करते पे है, पर जिहड़े उन्होंने बयान को वरत के अपने एजेंडे चला रहे हैं उन्होंने वह ताड़ना कर रहे हैं, जिहड़े खालिस्तान के नाम से एजेंडा चला रहे हैं उन्होंने भी ताड़ना की गई है, इस बयान से स्पष्ट हो रहा है। ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੱਤ ਪ੍ਰਤੇ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੇ ਭੋੜੇਪਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ
जो करन तां फिर वो ठीक नहीं मन्निया जांदा। सो जिहड़ा भी किसी उच्ची ताकत ते बैठ के उन्हें आपकी सैलरी उन्हें आपका सारा कुछ कितों लैना हुंदा है, पर जिहड़ा वो देण वाला है वो इंडिपेंडेंट हुंदा है, वो तो आपकी मर्जी का फैसला नहीं करा सकता। सो अज अकाल तख्त के जथेदार साहब ने जिहड़ी गल कही है पिछले दिनों के जो पंजाब का घाण होया, जो पंजाब के मजदूरों का घाण होया, जो पंजाब के किसानों का घाण होया, जो तीन जिहड़े आर्डीनेंस आए ने जिन्हां नाल पंजाब दी इकोनमी का गला घुटिया गया है, खास करके किसानी का और किसानी च बहुत ज़्यादा सिक्खी वाले ने मजदूरों का, ये उत्ते मैनू नहीं लगता भी अकाल तख्त साहब के जथेदार ने, यह तो बल्कि उल्टी गल है कि तुम अज वध उधकारां फलानी कोई होर इधर उधर की गल करके असली जिहड़ा करोना के नाँ के उत्ते साडा फैडरलिज्म तोड़ दिता गया है, साडे पिंड की दुकान कि खुलेगी, सड़क से बस कि चलेगी, यदा फैसला मोदी सरकार ने केंद्र सरकार ने आपके हाथ च लै लिया है, वो खिलाफ़ बोलने की बजाय मैं लगता है लोगों को किसी होर पास तोड़िया जा रहा है। और डट कर फिर तुम यह सवाल भी पूछा जाएगा कि हर मुद्दे जथेदार साहब का बोलना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, ना बोलते जे बोले ने फिर सही गल बोलनी चाहिए है। मैं बिल्कुल नहीं कहना, ये मैं ये कहना भी जे जथेदार साहब बोले ने तो जिथे, हाँ एक गल मैं कहांगा, जिथे सिखा भीड़ पेगी, जिथे पंजाब भीड़ पेगी, उत्थे जथेदार साहब क्योंकि सियासी ताकत है वह उन्होंने बोलना चाहिए। जब गोइंदवाल के पत्तन के उत्ते अहमद शाह अब्दाली औरतों को लेके जा रहा है, उदों सिंघा खाना पकाने लंगर बनाउंदा पता लग गया कि भी ये हो रहा है, वो लंगर बेचारे छड़ के उन्होंने छुड़ा के आपके घर छड़ के आए थे, वो औरतें सिखा दी नहीं सी, वो मुसलमाना दिया मराठिया दिया हिंदुआ दिया सी। ठीक है, एक होर छोटा ब्रेक लगा, मैं आ रहा सर, आ रहा सर, ब्रेक लैके वापस आऊँगा। जथेदार साहब का जो बयान है वो उन्होंने यू टर्न है ज इस बयान का अगला पड़ा शुरू हो चुका है, तो जे बयान का अगला पड़ा शुरू हो चुका है तो वो किस लिए पड़ा तैयार किया जा रहा, सवाल यह भी होगा। ब्रेक तो वापस आ रहा, बड़ा सवाल से पूछ रहे इस डिबेट में खालिस्तान का झंडा लैके पंजाब से कौन सी सियासी लहर चर्ची जा रही है। डट करके एक संखेप जा जवाब दे दो मैनू, जथेदार साहब के इस बयान में तुम यू टर्न तो नहीं मानते कि यू टर्न मानते हो या अगला पड़ा मानते हो? नहीं, मैं इन कोई यू टर्न नहीं मानता, मैं ये कहंगा भी जिहड़े बयान करके एक कन्फ्यूजन जिहड़ा एलीमेंट पंजाब नूं पहिलां भी बलदी दे पुत्ते झो चुकिया है तो होर झुकना चाहुंदा सी, उस नूं एक जरूर यह कहा गया है भी भाई तुसीं इस पासे ना जाओ, मेरा यह मतलब नहीं सी, यह चंगी गल है। तो दूजा यह भी है भी चलो माड़ा मोटा फैडरलिज्म की गलत करी है, पर मैं ऐ लगता नहीं भी वो चो फैडरलिज्म की गलत, वो अपने आप को सूत करने की ज्यादा गल है भी यार मेरे बयान तो खालिस्तान ही मानता है लोगों ने, तो इस करके माड़ी मोटी रेक्टिफिकेशन की कोशिश करी गई है। पर जी रेक्टिफिकेशन जथेदार साहब बिना किसी को तंग करे भी गुरु ग्रंथ साहब के आधार से, श्री गुरु ग्रंथ साहब के आधार से, सिख इतिहास के आधार से, सिख परंपरावान इतिहास आधार से, सिख रहनामा के आधार से, सिखा दे पूरी हुण तक की जदोजहद आधार से कर सकते सी। मैनूं लगता है विद्वान ने, बहुत बड़े विद्वान ने, मैं उन्होंने मिले हुए कई बार स्टेजां साझियां करियां ने, उन्होंने वो गल उस पासे तुरे नहीं, इस तो मैनूं लगता है कि कितने ना कितने अंदर कोई भय है। ठीक है, प्रसमजीत सिंह जे डट गर्ग एक गल इन्होंने पहला भी कही सी, भोलेपन में दिता हुआ बयान नहीं गा, प्रसमजीत सिंह जे भोलेपन में दिता हुआ बयान नहीं लगता, जे तुहानूं भी नहीं लगता भोलेपन में दिता गया बयान नहीं हैगा ये, तो फिर सर इसका कोई मकसद तो है एक राजसी लहर का जिंदा जिक्र असी वार बार कर रहे हैं, उस राजसी लहर पिछे किते किसे पार्टी नू किसे धिर नू जिंदा वार बार डट गर्ग जिक्र कर रहे अकाली दल नू उनू हुलारा देना तो नहीं, जां अकाली दल जिहड़े मुद्दे विच घिरिया विया उन्हां मुद्दों तो अकाली दल नू बाहर कढ़ना तो नहीं? रसमजीत सिंह, मैं दो गल्लां करूंगा, पहला गल मैं अपनी फिर ताड़ी गल भी नाल ही करदा कि इस गल च कोई दो राय नहीं कि अकाल तख्त दे इस इंस्टीट्यूशन नूं जो पंजाब दे विच भूमिका अदा करनी चाहीदी आ, पंजाबियां च सारे देश च करनी चाहीदी आ, फैडरलिज्म दे नां ते तो हर सूबा चाहुंदा आ, वो जो अदा करनी चाहिए लीडरशिप रोल वाला वो नहीं हो रही, बहुत कमियां, थोड़ियां नहीं बहुत ज्यादा कमियां हैगियां। निक्की जी गल क्या पिंडा दे विच सारा पंचायतां जिहड़े रेजोल्यूशन पा रहीयां ते गुरुद्वारियां चों अनाउंसमेंट हो रहा कि 25-25 हज़ार रुपया उस किसान नूं असीं जुर्माना करांगे, जिहड़ा इत्थे वध मजदूर नूं जिहड़ा मजलूम हैगा उसनूं तनखाह देण दी जां वेज देण दी कोशिश करूगा, ये गुरुद्वारियां चों फैसले हुंदे। मैं किन्नी वारी इस गल दी परसना कर चुका कि अकाल तख्त दे जथेदार नूं इस गल दी परसना करनी चाहीदी आ, ताड़ना करनी चाहीदी आ, नहीं तो सिक्खी दा किहड़ा इमेज जाऊगा, किहड़ा फलसफा जाऊगा। कमियां दी कोई कमी नहीं है, बड़ी लंबी लिस्ट है जिहड़ी गर्ग साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तुसीं हुण एक नवां सवाल खड़ा करता कि तू नहीं बोलदी तेरे कोई अंदरों बोलदा,
कि जी जे जथेदार साहब बोल रहे हैं उन्होंने पिछों कोई उन्होंने राजनीतिक लाहे नहीं अग्गों धूता बना के बुलवाया जा रहा। मैं देखो ये गल्लां राजनीति चल दी उन्हां दी वल्नरेबिलिटी मैं शुरू च कह दिती है वह हैगी आ कमजोरी है क्योंकि वह किसी के सहारे ते इंस्टीट्यूशन चल रहा है पर उदे बावजूद भी मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने ये सारिया लिमिटेशन के बावजूद भी जो उन्होंने एज जथेदार अकाल तख्त के जथेदार जो अज पोजिशन ली है और लिखती तौर पर ली है और पहली पोजिशन नालों बिल्कुल पिछे नहीं हटे अपनी पोजिशन साफ किया है सगों उस पर मेरा मैं उन्होंने इस गल की बड़ी उन्होंने बधाई दिना है इस गल की मैं खुशी भी प्रगट करदा पर यह गल बिल्कुल ठीक है। प्रसा मनजीत सिंह खुशी प्रगट करी चलो बधाई दे चलो प्रसा मनजीत सिंह सात दिन आठ दिन क्यों लग गए सर क्लैरिफिकेशन देने के लिए क्यों लग गए असं इंतजार कर रहे थे कि इस मुद्दे को होर भड़काया जाए इन ते होर डिबेटा होर चर्चा हो नहीं उन्होंने लगता होगा मैं नहीं हूँ ये उन्होंने पूछो तुम पर मैं लगता होगा उन्होंने लगता से कि आई गई गल हो जूगी आई गई नहीं हुई तो उन्होंने अखीर च इस प्रैशर च आके गल जी दसनी पई कि मेरा मतलब की सर जे नहीं दसते तो यह जी चर्चा कभी भी होर अगे तुरी देनी सी हूँ भी यह बंद नहीं होनी हूँ भी अगे चलती रहूगी पर जे कहो कि अकाली दल ए बहुत लाहा होगा अकाली दल जिहड़े मुद्दे च घिरदा पिया उन्हां मुद्दों तो अकाली दल पासे करन की कोशिश तो नहीं कि उन्होंने मुद्दों वाल ध्यान ना जाए अकाली दल जिहड़े मुद्दों च घिरदा है। दूजा सवाल सर यह है कि जिहड़ी भाईवाल है उन्होंने भी दसा जाए कि साडे कोल एक इहो जिहा सुनेहा हैगा जिहदे नाल साडा वोट बैंक पक्का हो सकता है इहो जिहा तर्क तां नहीं लगदा प्रसा मनजीत सिंह बिल्कुल नहीं 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 राजनीति तो बाहर कोई गल नहीं हैगी ला अकाली दल थोड़ा बहुत हो सकता पर जिस मूहते मूह जिस ढंग के मन चो अकाली दल इस वे लथिया होया उन्होंने अपनी कार्रवाई कोई पॉजिटिव कार्रवाई करके अगे आ सकते हैं इस तरीके लोगों बेवकूफ बना के ज अकाल तख्त के जथेदार तो कोई बयान दवा के अपने काले कारनामे नहीं हो तो सकते खासकर जेडे हम तीन रेजोल्यूशन आए हैं तीन ऑर्डिनेंस आए हैं जेडे गां कल बिल बना के कुछ एक्ट बन सकता है उसके बारे तुम की सोचते हैं कि वह एक अकाल तख्त के जथेदार का बयान अकाली दल के मूँह के जड़िया घुंगड़िया पी बोलते उसनों धो दूगा बिल्कुल नहीं होगा इस करके जो सोच के इन्ना बयान इन्ना पोजिशन का वह लाहा लैन गए वह कोई बहुता अकाली दल फायदा होने वाला ठीक है। डट कर डट कर प्रसा मनजीत सिंह ने तो बड़ा साफ कहता कि अकाली दल तो कोई फायदा होने वाला नहीं गा सर जे फायदा नहीं होने वाला फिर तुम ये गल क्यों कह रहे हो कि अकाली दल ने बयान दवाया हो सकता है। सर दूजा सवाल मेरा होर है डट कर डट कर दूजा सवाल भी नाल ही ले लो कि जिहड़ी सहयोगी अकाली दल की बीजेपी उन्होंने एक सुनेहा देने की कोशिश तो नहीं हैगी। देखो जितों तक सवाल है के पी जी अकाली दल सू पता बरकारी मोर्चे से होर से आपकी इंटरनल जी इन्हें झगड़े ने टुट भज है वो उत्ते एजीटेट ना कर सकना हर गल के उत्ते जिहड़ी मर्जी जही जी मर्जी हो गई जिहड़ी सिख धर्म के बिल्कुल बेसिक प्रिंसीपल दे उल्ट जाती है वो उल्टे केंद्र सरकार की सपोर्ट करी जाना चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के एक आर एस एस के नेता का बयान राष्ट्रीय सिख संगत के रजिंदर सिंह जी का बयान है कि गुरु नानक देव जी राम जन्मभूमि के दर्शन कर गए सी तो उन्होंने मन लिया गया सुप्रीम कोर्ट वालों चाहे वह पहला बाकी इशूज के उत्ते लांघा दे लांघे वाले गल् होंगे रही चाहे आ तीन ऑर्डिनेंसिस की गल हुई है उदे उत्ते हर जगह के उत्ते चाहे हजूर साहब बारे भी मंजो उठा रहा उत्ते अकाली दल ने जिहड़ा स्टैंड लेना चाहिए सी मैं नहीं कहना जिहड़ा वह नहीं ले सकया अकाली दल आइसोलेट होया होया है अकाली दल आपकी ताकत भी बीजेपी दिखाना चाहता क्योंकि बीजेपी भी अकाली दल को बहुत चंगा नहीं समझ रही अज तो इस करके ताकत दिखाने वास्ते एक तरीका है भी देखो जे तक तुम सानू नाल रखो नहीं असं आ करांगे सो एक तो यह पासा है दूजा पासा यदा यह है कि अकाल तख्त साहब के जथेदार काफ़ी इंडिपेंडेंट सीगे काफ़ी गल्लां वधिया करदे सीगे कोई शक नहीं पर जब उहदा रागी जी की मौत हुई फौत हुए उत्थे अकाल तख्त साहब के जथेदार उहदी क्रीमेशन ते नहीं गए उहदे नाल उहनां दा कद थोड़ा नीवा होया है जे कितें उह जा रहिंदे तां अज वाले बयान नूं इस तरह किसी ने प्रोजैक्ट ही नहीं कर सकना सी फिर हुंदा कि इंडिपेंडेंट बयान दिता डट करके इक होर सवाल लैणा डट करके इक होर सवाल लैणा जथेदार साहब ने अपना अहुदा जिहड़ा उसनू मजबूत तो नहीं करना उसनू सुरक्षित तो नहीं करना कि ना ने जहेदार साहब ने जहेदार ने हाँ जी नहीं नहीं मैनू अहिजा नहीं लगता वो इन्ना ये जे त्यागी बंदे ने हो इन्ना उन्हां च कोई लालच लूलच नहीं है विद्वान ने सियाने ने नौजवान ने यही जी कोई लालच नहीं है उन्हां च पर मैनू ऐ लगता है भी हमेशा
जब लीडरशिप जब उभर जो मौके के नाल उभरती है जब सिंह ने 50-50 रुपये मुल 100-100 रुपया मुल सिर पैंता से उन्होंने फिर भी सिर अपने केस नहीं कतल कराने मंजूर करे से 4 ते 6 ते 9 साल के बच्चों ने झुकना नहीं मंजूर करया सी। भाई तारू सिंह ने केस कतल कराने की बजाय खोपली लहानी ठीक समझी सी। सो सिखां दा एक बहुत वड्डा इतिहास है पर इतिहासक व्यक्ति उदों बंदे ने जब उस इतिहासक परिपेख दे विच ओह मौके ते ठीक कदम लैंदे ने। पिछों कहना बाद च कही जाना एक्सप्लेन करी जाना इहदा कोई मीनिंग नहीं हुंदा। मौके ते की लिया मौके दे उत्ते ओह रागी हजूरी रागी जी दी डिफॉल्ट होण दे उत्ते उन्हां दी जिहड़ा दाह संस्कार सी उत्थे जाण तों खुंझे। बाकी जो मर्जी कहा उन्होंने मैं उस जिन्नी जावांगा उहदे नाल उन्हां दा कद उच्चा होना सी। उदू बाद जद ये जिहड़ा इन्ना लोकां दे उत्ते कहाण होया लोकां दा ये मनुखता दा कहाण सी क्योंकि जे असीं कहिंदे आ बाबे नानक ने आख्या जिन सिर सोहेन पट्टियां मांगी पाए संदूर से सिर काती मुनियन गल गल विच आवे धूड़ है उत्थे कहा इत्थी मार पई करना ने तैं की दर्द ना आया। बाबे नानक ने तां दित्ता होया सी मेहना ते उस मेहने दे उत्ते जथेदार साहब मेहनत दे ही सकते सी ना। वो तो बाबे नानक का मेहना दिता होया सी ओके जथेदार साहब ने आप नहीं देना सी वो तो उन्होंने तो भाषा सी कि जी मैनू तो हुक्म है मेरे गुरु का। सो मैनू लगता है किते ना किते ओहो आपकी जेडिक परसनैलिटी है पिछ पिछले नालों वधिया रही है ये मैं कहने तैयार हाँ। मैंने कोई झिझक नहीं है पिछले नालों वध इंडिपेंडेंट वध थॉटफुल ने पर जिडे वड्डे ग्रो कर सकते सी ओडे शायद नहीं कर। ठीक है एक होर थोड़ा ब्रेक लूँगा सर आखिरी हिस्से में असं होवेंगे। एक जथेदार साहब ने एक गल होर कही है कि सिखां नूं सिर्फ तो सिर्फ खालिस्तान के विचार नाल प्रभाषित नहीं किया जा सकता। इस बयान के नाल उन्होंने होर की किया हैगा ब्रेक तो वापस आके इस ते सवाल होगा जरूर सवाल ये पूछ रहे खालिस्तान का एजेंडा लिया के पंजाब में कौन सियासी लहर सिरजी जा रही है। प्रसम अजीत सिंह तो बयान पूरा पढ़िया आखिरी पहरे दे विच उन्होंने लिखा ये गल ठीक है कि सिखां नूं सिर्फ तो सिर्फ खालिस्तान के विचार नाल प्रभाषित नहीं किया जा सकता। सिक्खी एक विश्वव्यापी विचार है तो इस विचार ने दुनिया में ठंड वरतौनी है। असल में मेरे बयान तो उन्होंने लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुई है जो सिखां नूं सिर्फ सरकारी प्रोपेगंडा मशीनरी की वरतों करके खालिस्तान के सियासी विचार नाल धक्के नाल जोड़िया गई झूठिया तो नफरती धारनावां नाल प्रभाषित करना चाहते हैं। रसमजीत सिंह बिल्कुल ठीक है। मैं तो केपी सिंह यही खुद भी गल कह रहा कि उन्होंने दोवें पासी काफी अपने आप नूं साफ करके जिहड़े बंदे इस खालिस्तान के नारे नूं अपने निजी मफादां लई वरतना चाहुंदे आ और वरत रहे आ लगातार कि साडे नाल वड्डा खालिस्तान दा इत्थे लंबड़दार कोई नहीं तो उन्होंने उहदे नालों भी अपने आप नूं अलग किया और एक जिहड़ी जिस तरह गुरद्वारे। हाँ जी ठीक है प्रसमजीत सिंह पर एक पुराना बयान उन्होंने मैं जरूर तुहाडे ध्यान में लिया चाहूँगा जिहड़ा 6 जून उन्होंने दिता सीगा। उन्होंने भी कहा सीगा खालिस्तान के सवाल के नाल कि अज भी भारतीय सरकार की जिहड़ी पेशकारी है वह सिख विरोधी ही है 36 सालों तो जिनी पेशकारी हुण तक दी रही है वह सिख विरोधी है। सर इहदा मतलब की समझा जाए तो जिहड़ा हुण यह स्पष्टीकरण आया इहदा मतलब की समझा जाए मैनूं दोनों बयानों के विचाला फर्क समझा दो। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल देखो वो दो गल्लां एक ते वो देखो फेडरलिज्म उस नूं अगे वधाउणा चाहुंदे आ सानूं इस तरह इंटरप्रेट ना कीता जाए उन्हां बंदिया नाल ना जुड़िया जाए। रसमजीत सिंह सर मैं फर्क समझना सी सर जिहड़ा उन्होंने बयान दिता सी भारतीय सरकार जिहड़ी पेशकारी 36 सालों की जिहड़ा उन्होंने 84 वाले संदर्भ नाल जोड़ के बयान दिता सीगा हुण जिहड़ा स्पष्टीकरण है सर उस स्टैंड ते कायम आ जां नहीं। पीढ़ी थले छोटा मार के मैं शब्द वरतिया दोवां पासियां तों अपने आप नूं सेव कीता आ। दूसरी गल मैनूं बड़ी चंगी लगी आ गर्ग साहब भी यह समझदे आ मैं भी यह गल समझदा आ कमियां पेशियां दे बावजूद ये अकाल तख्त दे जथेदार पहले जथेदारां नालों अलग भूमिका अदा कर रहे आ पर जो इन्हां ने शुरू किया इन्हां नूं हिम्मत करके सिख संगत ते सिख विचार ते जिस ओपोजिशन च बैठे आ उस दे इतिहास नूं याद करके ऐसे तरीके नाल
अगे वधदे रहना चाहीदा आ। अज लोड़ वो विचार उही विचार पावरफुल हुंदा आ जे उहदे ते लगातार अमल होवे। जे तुसीं विचार दे उत्ते गुणगायन करी जाओगे, शब्द कीर्तन कला करी जाओगे, उहदी भी इंपोर्टेंस हैगी आ, पर तुसीं अगे कोई एक्शन पार्ट नहीं लओगे जो कि समाजिक ते राजनीतिक ते आर्थिक हुंदे आ, जो उन्हों अखां परोखे करके रखोगे तो फिर सिखी नू बचाउणा जां उस विचार नू बचाउणा उह गल्लां तक खालिस्तान जिस किस्म दा इन्हां ने डिफाइन किया बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर गर्ग जिहड़ा प्रोफेसर मजीत सिंह जिहड़ा स्टैंड लै रहे हैं जां कहिंदे जिस तरीके नाल जद्दा साहब ने डिफाइन किया है, उत्थे दा सवाल यह खड़ा हुंदा है कि देश नूं तोड़न वालियां ताकतां इह। देखो गल इह है कि पी जी भी जित्थों तक साडा देश है भारत, इहदे संविधान 'च लिखिआ भारत दैट इज़ इंडिया इज ए स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इहदा फैडरलिज्म जद आज़ादी तो बाद ही टुटना शुरू हो गया, पर पिछले 5-6 सालों से बिल्कुल ही इहदा कहान कर दिता गया, टोटल फैडरलिज्म खत्म कर दिता गया, चाहे सर्विस ट्रांसपोर्ट है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे आज तीन आर्डीनेंस आए हैं, चाहे आज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर सारे देश को अपने कब्जे में ले लेना है, चाहे अदालतों के उत्ते जो कुछ हो रहा है, कमीशन RBI संस्थावां, साडा टोटल फैडरलिज्म टुट रहा है। सरकारां दे विच आपां नूं पता ही है, एक पासे कोविड की गल कर रहे हैं, एक पासे MLA खरीदो फरोख्त का शरेआम व्यापार चल रहा है, तो एक पासे लोगों को अंदर तारिया होया, दूजे पासे क्योंकि आपके को पैसा है इस करके कॉन्फ्रेंसा हो रही ने जिते जिते चोन होनी बड़ी व्डिया व्डिया व्डे व्डे TV ला के, दूजे पासे कहा जा रहा पैसा है नहीं। सो ये सारा कुछ देश का हो रहा है, इस कोई शक नहीं, पर अकाल तख्त साहब के जथेदार ने दो गल्लां, एक तो गुरु ग्रंथ साहब ही गाइड है सिखां वास्ते, जे कोई होर कहे इहने कहता उहने कहता गाइड नहीं, मेरे हिसाब नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब ही गाइड है। उहदे च हर चीज़ हर मसले का हल दस्या होया की करना है, उत्ते लिखिया है राजे सी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुके, एक तो यह है। दूजा क्या है, कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ मापस सच चंद्रमा दीस है नाही कह चढ़िया, हो भाल विकुन्नी हुई अंधेरे राह ना कोई, ये अज यही स्टेट है साढ़े हिंदुस्तान की। तीजा क्या है, नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या सो क्या रीस, जिथे नीच समालियम तिथे नजर तेरी बखीस। पर ये नहीं करया क्योंकि वो नीचा के खिलाफ गुरुद्वारे चो मते पास हो रहे हैं, इतने भी असं खुंझे हाँ, जथेदार साहब खुंझे ने। इस तरह ही एक होर कह के मैं आपकी गल करा, मीट के उत्ते गां के उत्ते थां थां के उत्ते उन्हें कहा कौन मास कौन सा कहावे, ज्ञान ध्यान के जाने नाही चतर कहावे, पांडे मासो जिम्मे मासो नमे हम मासे के पांडे, असी मास दी बने हुए हाँ। सो वैजीटेरियन नॉन वैजीटेरियन का जो कॉन्सैप्ट है ये गुरु ग्रंथ साहब ने टोटल चैलेंज कराया हुआ है, गुरु नानक देव जी ने टोटल चैलेंज कराया हुआ है, चुनौती दिती हुई है। सो अकाल तख्त साहब के जथेदार एडे वे विद्वान ने चंगी गल्ला करते हैं, चंगे काम करते हैं, पर जिहड़ा ये समझना है कि भी ये जिहड़ा है हुण दा जिहड़ा बयान है वो स्पष्टीकरण भी जरूरी सी मेरे हिसाब नाल जिन्ना कि भी दिता गया है, पर यह गल जरूरी है कि अज देश दे फैडरलिज्म वास्ते कल्ले अकाल तख्त साहब दे जथेदार नूं नहीं मैं कहांगा, उन्हां नूं तां सिख दे तौर ते बतौर पंजाबी पंजाबी भाषा दे वास्ते स्टैंड लैनी चाहीदे ने। मैनूं लगदा है भी बाकी जिवें प्रोफेसर साहब ने कहा बाकी ताकतां भी जिहड़ियां अज चाहुंदियां ने कि देश दा सितारा बुलंद होवे, देश के लोगों की एकता होवे, देश प्रफुल्लित होवे, इत्थे गरीबी भुखमरी अनपढ़ता बीमारी खत्म होवे, उन्हां सारिआं नूं अज फैडरलिज्म दे उत्ते डट के पहरा देने की लोड़ है। जे नहीं देंगे तो मैनू नहीं लगता भी असी बच पावांगे। तो जथेदार साहब जे हुण भी इस बयान तो बाद लगातार फैडरलिज्म दे उत्ते डट जाण तो मैनू लगता है भी देश का बहुत वड्डा भला होएगा। जिहड़े उन्होंने एक गल कही है कि सिख नौजवानों नूं भड़काया जा रहा सोशल मीडिया से, सिख नौजवानों भड़काउण वाला जिहड़ा कदम है वो पिछे हट जाणगे साजिशकर्ता जिहड़े साजिश घाटे लगे हुए है जिन्हां नूं सुनेहा देने दी कोशिश की है। उन्होंने ठीक कहा वे अज जो ताकत जाकत, देखो गल सुनो, सिख धर्म ने आपदे आप नूं पिछले 2-3 साल से एसटैबलिश करता सी कि असी जिथे हर भुखा है जिथे हर दुखी है असी हेनबाग दे विच जाके खड़े हो गए सी, दो निहंग सिंह वो जा तक कितने हो रहे सी उत्थे जाके कहिंदे सानूं लगे वी एदों वधिया तां कोई सेवा हो ही नहीं सकती, उत्थे खड़े हो गए जाके सेवा करन लग गए।
ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਭੁੱਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਸਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸਰ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੀ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਜੇ ਦਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦਵਾਉਣ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚਾਂਬਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਡਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਜੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਿਓਕਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਾਟਾ ਗਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਸੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ PCR ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਥਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।